चौटाला परिवार में इन दिनों चौटाला नाम को लेकर वार पलटवार की जंग छिड़ गई है। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बीते दिनों जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला से चौटाला नाम वापस मांग लिया, जिसके बाद अब अजय सिंह चौटाला ने अभय पर जबरदस्त पलटवार किया है। सिरसा में पत्रकारों से बात करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि चौटाला नाम ना तो ओपी चौटाला की विरासत है ना ही अभय सिंह की, बल्कि चौटाला उनका पुश्तैनी गांव है और चौटाला के हर गांव वासी का अधिकार है कि वो अपने नाम के साथ चौटाला लगा सकते हैं। अजय सिंह ने कहा कि इस तरह की बातें करके अभय चौटाला लोगों को गुमराह ना करें, जानकारी रखें और जानकारी के हिसाब से बात करें ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। चौटाला ना तो चौटाला साहब की विरासत है ना अभय सिंह की विरासत है। चौटाला मेरा प्रजा तांत्रिक गांव है और पुश्तैनी गांव है मेरा। ये अधिकार ना चौटाला साहब को है, ना अभय सिंह को है, ना मुझे है। चौटाला के हर वासी को है, वो अपने नाम के साथ चौटाला लगा सकता है। इस तरह की बेबुनियाद बात करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास ना करें, नॉलेज रखें, नॉलेज जनरल बात करें तो अच्छा लगता है। मैं अखबार में कल के ही बयान पढ़ रहा था अभय सिंह चौटाला के, कि वो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की मदद करने भी उत्तर प्रदेश में जाएंगे। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा यहाँ जो उनकी चुनाव में मदद करके गए, उसका एहसान चुकाने जाएंगे। क्या आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला की मदद खुल्लम खुल्ला की, ये किसी को डाउट आपको नहीं है? अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोपाल कांडा की मदद करने यहाँ पर आए। गोपाल कांडा की मदद करने नहीं है, अभय सिंह चौटाला की कर रहे थे और उसका भाई ओपनली उसके साथ था, जो इनका भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के प्रत्याशी था पूर्व में और इस बार चुनाव से गायब था, उसका भाई ओपनली उसके साथ था। चलिए, तरह तरह की बातें की जा रही थी, लोग किसी का गढ़ बता रहे थे, कुछ बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, मार्जिन को 30 से 50 हज़ार के बीच की बात की जा रही थी। मार्जिन तो सिमट गया और ये तो अगर कांग्रेस इनडायरेक्ट रूप से ना मदद करती और कुछ लोग और भी थे जो मदद कर रहे थे सरकार में होते हुए भी, वो सबको पता है, अगर वो ना करते तो धरातल पे आ जाते। दरअसल बीते दिन एक इंटरव्यू में अभय सिंह चौटाला ने अपने बड़े भाई अजय सिंह चौटाला से नाम वापस करने की मांग उठाई थी। अभय ने कहा था कि अजय कहते हैं कि उन्होंने पूरी पार्टी और पार्टी का फंड उन्हें सौंप दिया है, फिर भी अभय सिंह चौटाला पार्टी को संभाल नहीं पाए। अजय के इसी बयान पर अभय चौटाला ने कहा था कि चौटाला नाम ओपी चौटाला का दिया हुआ है, ये उनकी विरासत है, ऐसे में अगर अजय सिंह चौटाला नाम भी वापस कर दे तो अच्छा रहेगा। बहरहाल अजय सिंह चौटाला ने अपने तर्कों के साथ अभय को जवाब दे दिया। अब देखना होगा कि अभय चौटाला की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।